नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीतिक दलों के कार्यालय सील, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते अगली खबर की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुग्राम में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जी हां, गुरुग्राम में महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिजनों ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर 2 दिनों तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक के चुंगल से छूटने के बाद युवती परिवार के पास पहुंची और घटना के बारे में बताया। शिकायत पर पुलिस ने खेड़की दौल थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो परिवार के साथ खेड़की दौला थाना क्षेत्र में रहती है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उनके मकान में निजी कंपनी में काम करने वाला 21 वर्षीय युवक रहने के लिए आया था। इस दौरान उसकी दोस्ती हो गई और दोनों में मिलना शुरू कर दिए। वही बीती 26 तारीख को आरोपी युवती को अपने साथ कमरे में लेकर गया और 2 दिनों तक अपहरण कर कमरे पर रखा। 2 दिन तक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। जी हाँ, युवती ने घर पहुंचकर घटना के बारे में परिजनों को बताया। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि हरियाणा में लगातार क्राइम के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों सोनीपत में महिला की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। खुलासे में सामने आया है कि प्रेमी के साथ महिला ने रहने से मना किया था। तहस में आकर प्रेमी ने महिला को मौत के घाट उतारा था। राजनीतिक दलों के कार्यालय सील। जी हाँ, बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC प्रशासन ने शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद यहाँ BMC मुख्यालय स्थित सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय को सील कर दिया है। BMC के प्रशासक एवं नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को कहा है कि नागरिक निकाय ने बुधवार को मुख्यालय में हुई घटना के बाद मुंबई पुलिस के निर्देश पर ये कदम उठाया है। मुख्यालय में विरासत भवन के भूतल पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय की है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गुटों के बीच बुधवार शाम पार्टी कार्यालय में तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस के हस्तक्षेप करने तक परिसर में 1 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। जी हाँ, शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहेबाची शिवसेना की प्रवक्ता शीतल महात्रे ने कहा कि 5 निकाय प्रशासन ने मुख्यालय में शिवसेना, कांग्रेस, राकांपा और समाजवादी पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया है। किसी गुट ने नहीं किया कार्यालय पर दावा। जी हाँ, दोनों गुटों ने कुछ खबरों के विपरीत दावा किया कि किसी भी विपक्ष द्वारा पार्टी कार्यालय पर दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। पुलिस के आने से पहले दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और इसके बाद सभी को कार्यालय से हटा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ विपक्ष ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है। जी हाँ, विपक्ष ने नार्वेकर पर लगाया है कि ये वे सदन को मनमाने तरीके से संचालित कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बारे में विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत को पत्र दिया गया है। कांग्रेस के सुनील केदार, शिवसेना के सुनील प्रभु, सुरेश अनिल पाटिल ने संविध सचिव को पत्र सौंपा। पत्र पर 39 विधायकों के हस्ताक्षर है। जी हाँ, चूंकि शिंदे सरकार के पास बहुमत है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की संभावना नहीं है। विधानमंडल के शीत सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष अध्यक्ष पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को
बोलने दिया जाता है लेकिन विपक्षी सदस्यों को मौका नहीं मिलता। सुशांत सिंह राजपूत की पीए दिशा सालियान की मृत्यु प्रकरण में भाजपा एवं शिवसेना शिंदे गुट के 11 सदस्यों को 20 में बोलने का मौका मिला लेकिन नेता विपक्ष अजित पवार को छोड़कर अन्य किसी को इस संदर्भ में बोलने नहीं दिया गया। इस मामले में विपक्ष ने हंगामा करते हुए अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसी दौरान आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने के वजह से राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे नाराज विपक्ष ने सत्र की समाप्ति की पूर्व संख्या पर नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुप, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।